केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति में शुचिता, ईमानदारी और जन विश्वास के नए प्रतिमान के रूप में स्थापित हुए हैं। मोदी योगी के चलते जनता की राजनीति के प्रति हताशा दूर हुई है। यही वजह है कि यूपी में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार बनने जा रही है। शुक्रवार को गोरखपुर में मीडिया से बातचीत में अतुल गर्ग ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों की एक तरफा इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालें। दुनिया के कोने कोने में बसे भारतीय भी उन्हें दोबारा सीएम बनता देखने के लिए उत्सुक हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि लोगों की ये चाहत यूं ही नहीं है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने विकास की उपलब्धियों और हरेक क्षेत्र में कुशल प्रबंधन से देश और प्रदेश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शानदार प्रबंधन की पूरी दुनिया मुरीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी नामचीन संस्था ने भी कोरोना को काबू में करने के लिए यूपी में किए गए उपायों की जमकर सराहना की। जांच से लेकर इलाज और टीकाकरण में यूपी नंबर वन है। कोरोना संकट के दौरान कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जब सीएम योगी ने इसके प्रबंधन को लेकर समीक्षा ना की हो। विपक्ष के नेता जब घरों में आराम कर रहे थे तब वह खुद फील्ड में उतर कर लोगों का जीवन व जीविका बचाने को कमान संभालते रहे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी के हेल्थ सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इसके पहले इस क्षेत्र का बुरा हाल सबको पता है। पहले जहां 8,000 ही डॉक्टर थे वहीं यह संख्या अब बढ़कर 18,000 से अधिक हो गई है। 2017 के पहले सिर्फ 17 मेडिकल कॉलेज थे जबकि यह सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। 55 चालू हो गए हैं या निर्माणाधीन है। हर जिले में स्वास्थ्य केंद्रों पर अत्याधुनिक जांच की सुविधाएं हैं। सीएम योगी की पहल पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को गोरखपुर एम्स के रूप में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा का केंद्र मिल गया है। सीएम योगी की अगुवाई में इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण हासिल कर हजारों नौनिहालों की जान बचाई गई है। आम जनता के बीच में बहुत दिनों से एक कमी महसूस की जा रही थी कि जो राजनीति में जो लोग हैं वो जिम्मेदार हों, ईमानदार हो, निर्णय लेने वाले लोग हों, साहसी हों, और इसका एक बहुत बड़ा जो शून्य था राजनीति में महसूस किया जा रहा। राजनेताओं के प्रति लोगों की श्रद्धा का भाव लगभग समाप्त हो चुका था और लोगों के मन में ये भाव था कि राजनेता जो हैं वो बहुत स्वार्थी और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करने वाले लोग हैं। लोगों के मन में राजनीति के प्रति विपक्षना भी पैदा हो गई थी, लेकिन ईश्वर ने कोई ऐसी भूमिका रची, ऐसा आभा मंडल में नक्षत्र बनाया कि ऊपर मोदी और नीचे योगी के नाम के जो दो राजनेता इस भारत के अंदर हुए तो फिर से राजनेताओं के प्रति श्रद्धा का भाव और विश्वास का भाव आम जनता में जागृत हुआ और उसके लिए पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम बहुत सम्मान से लिया जाने लगा। खुद मेरी अमेरिका के बहुत सारे लोगों से इंटरनेट के माध्यम से बातचीत होती है, लोग बहुत उत्सुक हैं और वो सब ये चाहते हैं कि भारत का जो गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है मोदी जी और योगी जी के आने के बाद, तो पूरे विश्व के अंदर भारत माता का जो वैभव है और नाम है और जो विश्वसनीयता है उसके लिए योगी जी का दोबारा से मुख्यमंत्री बनना बहुमत के साथ और बहुत बड़े मार्जिन के साथ बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और करोड़ों लोग जो दुनिया में रह रहे हैं उन सबकी इच्छा है, तो उसी के लिए ही मेरे को भी आज अवसर मिला है गोरखपुर आने का और मैं भी इसमें यहाँ पर आया हूँ लोगों से मिलने जुलने के लिए। अब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गोरखपुर की भाव पवन धरती पर और कुल 8,000 डॉक्टर उपलब्ध थे और उसमें भी जवाबदेही तय नहीं थी। जैसे ही सरकार ने काम संभाला इस क्षेत्र के अंदर बहुत तेज़ी से काम होना शुरू हुआ। आज 18,000 से ज़्यादा डॉक्टर हैं, 17 केवल मेडिकल कॉलेज थे, आज हर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो चुका है और 55 मेडिकल कॉलेज चालू भी हो चुके हैं। इसी प्रकार से जीर्ण दीर्ण अवस्था में जो बिल्डिंगें थीं
उन बिल्डिंगों को 100% नया बना करके काम ठीक करा गया है। डिजिटल एक्सरे मशीनों का काम शुरू करा गया है। सीटी स्कैन आज ज़्यादातर जिलों के अंदर हो रहे हैं। और ख़ास तौर से जब कोरोना आने के बाद में कमाल का काम किया, WHO ने इसके लिए तारीफ की। खुद मुख्यमंत्री ने 2 साल तक कोई दिन ऐसा नहीं किया कि जिसमें खुद इसकी मॉनिटरिंग ना करी हो। और आपके गोरखपुर और देवरिया के आसपास जो चमत्कार हुआ है कि जो जापानी बुखार माना जाता था और उसमें हज़ारों बच्चों की बलि चढ़ जाती थी हर साल, तो उसके अंदर बहुत बड़ी सफलता इस सरकार ने आके प्राप्त की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इच्छा शक्ति है उसका जो प्रदर्शन हुआ, उसके लिए योगी सरकार को और योगी जी को मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने खुद इसमें रुचि लेकर के हज़ारों बच्चों की जानें बचाईं। आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर और पूरा भारत विश्व के अंदर जो नाम कमाया है कि कोरोना काल के अंदर सबसे कम नुकसान करते हुए, नुकसान तो हुआ है पर सबसे कम नुकसान करके करीब लगभग सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है और 2-2 बार वैक्सीन लग गई है। ऑक्सीजन के 585 प्लांट नए लगाए जा चुके हैं केवल सरकारी क्षेत्र में, बाकी प्राइवेट साइड क्षेत्र में भी इसके अंदर लगाए गए। 1.5 लाख से ज़्यादा बेडों की व्यवस्था की गई थी। जो प्रवासी मजदूर थे उनको बुलाने की और उनके भोजन की व्यवस्था की गई।